मुरादाबाद के भूड़ेकर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कांग्रेस की जीत के उपलक्ष्य में जोरदार जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के थाप पर थिरकते दिखाई दिए, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। कांग्रेस की जीत पर मुरादाबाद में जीत का जश्न मनाया गया। मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़ों के थाप पर जीत के जश्न का आनंद लिया गया। कांग्रेसियों ने इस जीत का श्रेय जनता को दिया है। सभी का कहना है कि सरकार में रहते हुए भाजपा ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं, जिसकी वजह से जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। आज जो जीत का जश्न है, क्या है और क्यों आज आपने मिठाई बांटकर इस तरीके का काम? देखिए, आज की जीत अकेले राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, अकेले कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, अकेले रिजवान कुरैशी की जीत नहीं है, अकेले किसी भी जीत नहीं है। ये जीत हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक एक बच्चे की जीत है, जिसको अकेले सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान या छत्तीसगढ़ से जोड़ के ना देखें। मेरी आपसे गुजारिश है, इसको हिंदुस्तान में होने वाले 2019 के चुनाव से जोड़ के देखें और इंशाल्लाह हिंदुस्तान की जनता इनके कारनामों से, इनकी नीतियों से, इनके नेता से तंग आ चुकी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 2019 के चुनाव में राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी आज जो जीत का जश्न है वो किस तरह से आपने मनाया है? आज जो आपका जीत का जश्न है आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया है, क्या किया है आज आपने यहाँ पर? देखिए, अभी तीन रंग के जनता के बीच हम लोगों ने तीन रंग के, ये बीजेपी की है मक्खी, तीन रंग के लड्डू बांटे हैं, तिरंगे कलर के हमने स्पेशल लड्डू बनवाए थे। जनता के बीच हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो कहते हैं ये 60 सालों से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को तरक्की की ओर ले जा सकती है। ठीक है भाई, भाइयों बहनों मित्रों, ये चुटकी हमें लेने दो, आज कम से कम आज तो लेने दो।